मंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी 21 तारीख को भदोही के पवित्र धरती पे आ रहे हैं, सारे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करने और भदोही जनपद को अपना संदेश देने के लिए 21 तारीख को राजपुरा चौराहे के बगल वाले मैदान पे दोपहर 1 बजे उनका कार्यक्रम आरंभ होगा। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए, उनकी बात सुनो। टीएमसी के भी कुछ बड़े नेता आ रहे हैं। हम लोगों के दो वर्तमान सांसद का कंफर्म कार्यक्रम आ गया है। आदरणीय कीर्ति आजाद जी जो कई बार के सांसद हैं और इस बार दुर्गापुर के हमारे टीएमसी के प्रत्याशी हैं, और साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद सुष्मिता देव जी जो 4 बार के सांसद हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। साथ में और अन्य नेता आ सकते हैं, अभी उनकी कन्फर्मेशन नहीं है। अगर कांग्रेस की नजदीकी आपकी बड़ी दिख रही, कहीं दिख नहीं रहे? अरे यही इससे उसका राहुल जी ऊपर है, बिल्कुल नंबर एक कोई नेता भी तक आपको बढ़ा है। मैंने सारे नेताओं से, अविनाश पांडे जी जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं वो आए, उन्होंने यहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मैं शुरू से सारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आपके पास वक्त हो तो आप आइए, आपका आशीर्वचन यहाँ जनता के बीच में हो। और आप जानते हैं कि चुनावी खर्च की एक सीमा होती है, उस सीमा को मैं पार नहीं करना चाहता हूँ। एक ही सभा की अनुमति और एक ही सभा की इजाजत हमको चुनावी खर्च में मिलता है। वो एक सभा तारीख जो मिली है 21 तारीख की, उस दिन ना आदरणीय ममता बनर्जी, उनके 4 कार्यक्रम लगे हैं 21 तारीख को, माननीय राहुल गांधी जी के 4 अलग अलग प्रदेश में कार्यक्रम लगे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उन लोग को ना डिस्टर्ब करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग के लिए पर्याप्त हैं, उनको जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, इसलिए उनका आना हम लोग के लिए पर्याप्त। छोटा सा क्वेश्चन, चुनाव पीक पे आ चुका है, लगभग आप पूरा चीज पहल चुके हैं, अब किन मुद्दों पर और किससे लड़ाई आ रही है? हम लोग की लड़ाई अब समय से हो गई है, 4-5 दिन बचे हैं, कैसे हम हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये मेरे अंदर एक लालसा है, मेरी प्यास है। और क्योंकि इस जनपद के सारे लोग जिनसे आज तक मैं मिला हूँ, उन्होंने या तो मुझे अपना छोटा भाई माना है या तो अपने घर का बेटा माना है, तो मेरी इच्छा है मैं सबका आशीर्वाद लेके चुनाव के अंत तक पहुँचू। मगर 5 दिन का वक्त बचा है, 2 दिन इस रैली में इधर उधर हो जाएगा, तो मैं हर गांव तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मैं उसके लिए उन गाँव वालों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप स्नेह प्रेम मुझे देंगे, चुनाव के बाद मैं वचन देता हूं कि मैं आप सबके बीच में जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से मैं रहूंगा। तो कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावित? मुद्दे इस चुनाव के कई हैं, हर एक क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं। गंगा के किनारे के क्षेत्र के मुद्दे कुछ और हैं, भदोही के मुद्दे कुछ और हैं। हम सारे मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में डाले हैं, एक एक मुद्दे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे प्रभावी हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, उस पे सरकार मौन है, जनता को महंगाई से कुछ राहत मिले बिल बिला रही है जनता उसके लिए, मगर सरकार ने पिछले 10 साल में महंगाई के रोकथाम के लिए कोई काम नहीं किया। नौजवानों में जो बेरोजगारी की स्थिति है, ऐसी भयावह स्थिति विश्व भर में कभी देखने को नहीं मिली। मुझे लग रहा है कि भारत के हजारों साल के इतिहास में इस तरह की बेरोजगारी नहीं रही है जिस तरह आज है। पूरी की पूरी एक पीढ़ी बिना रोजगार के खराब हो गई है, ओवरेज हो गई है, वो नौकरी के पात्र नहीं बची है, और वो सरकार से जवाब पूछ रहे हैं। हम लोग की गठबंधन आएगी, उनको पूरा भरोसा हो गया है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे वो नौजवानों को रोजगार देने का काम करते थे, कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वो रोजगार देने का काम करती है, ममता बनर्जी रोजगार देने का काम करती है, तेजस्वी यादव रोजगार देने का काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल रोजगार देने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक देने का काम करती है। मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ, 4-5 काम ऐसे बता दीजिए जो आप जीतने के बाद करेंगे, प्राथमिकता क्या है? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इस क्षेत्र में, कोनिया वासी लगातार पुल की मांग कर रहे हैं, उस पुल की लड़ाई लड़ेंगे। इस जिले में रेलवे अंडरब्रिज ओवरब्रिज की जरूरत है, जहाँ जहाँ होगी वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। यहाँ पे विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ये हम लोग का मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा है, ये हम लोग सोच के उस लड़ाई को लड़ेंगे। और आई की चीनी मिल जैसी उद्योग इस जिले में होनी चाहिए, अगर हम लोग की सरकार बनती है तो हम लोग ये लड़ाई लड़ के यहाँ पे फैक्ट्रियों की स्थापना की लड़ाई लड़ेंगे, ताकि नौजवानों को दूर नहीं जाना होगा रोजगार के खोज में।
आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज, मैं हूं दीपक मिश्रा।